कन्नौज। 2022 चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा कर विपक्षी पार्टियों पर निशाना तो साधा ही, इसके साथ ही उन्होंने आने वाले घोषणा पत्र को लेकर कई योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें बिजली और समाजवादी पेंशन पर प्रमुख नजर रही। दरअसल आपको बता दें कि कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराय प्रयाग में स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे थे। सर्वप्रथम उनके द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया, वही आयोजित जनसभा में भी अखिलेश शामिल हुए, जहां पर उनके साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी थे। मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव ने सबसे पहले उज्ज्वला योजना पर बोलते हुए कहा कि यह उज्ज्वला नहीं बुज्ज्वला योजना है, सिलेंडर का उपयोग बैठने के लिए किया जाता है। इसके बाद उन्होंने डीएमएसपी को लेकर फिर से बयान दिया। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि डीएमएसपी को छोड़ दिया जाओ, चुनाव लड़ा लेकिन आप लोग घबराना नहीं। इसके पश्चात मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर यूपी सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोगों के घर पर बुलडोजर चलाओगे, याद रखना उसमें स्टेयरिंग होती है, अभी इधर चला कल उधर चलेगा, नक्शा किसी का पास नहीं है, मुख्यमंत्री आवास का भी नहीं। इसके पश्चात अखिलेश यादव के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में जारी करने वाले घोषणा पत्र को लेकर कहा कि समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों और नौजवानों की बिजली सस्ता करने का काम करेगी, हो सकेगा तो फ्री देंगे, दूसरी बात उनके द्वारा कही गई थी। यूपी सरकार के द्वारा किसानों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं। समाजवादी पेंशन को याद करते हुए कहा कि माताओं बहनों के लिए घोषणा पत्र में कई योजनाएं होंगी, बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपए महीना दे रहे हैं तो हम अपनी माता बहनों को 3 गुना भी करना पड़े या उससे ज्यादा तो समाजवादी पीछे नहीं हटेंगे, यह कितना देना है घोषणा पत्र में होगा। प्रतापगढ़ की घटना पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सांसद कूट दिए गए विधायक और सांसद गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई है किसी की। कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव 2022 चुनाव को लेकर काफी अलग दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं से बूथ जीतने तक की बात उनके द्वारा कही गई। कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया, प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने, एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया, कुटे के नहीं कुटे सांसद जी प्रतापगढ़ में, बताओ ज्यादा तो नहीं कुटे, जनता ने बहुत वादा किए थे काम करेंगे, जाने क्या क्या करेंगे, कूट दिए गए, कूट दिए गए, कई विधायक सांसद गांव में नहीं घुस पा रहे। सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की, गठबंधन करेगी किसी प्रकार से किसी अन्य पार्टी के साथ, कोई वार्ता चल रही है उनसे गठबंधन पार्टी करेगी भैया, लगातार क्षेत्रीय दल छोटे दलों के साथ गठबंधन पार्टी करेगी। सिपाही जी के साथ होगा क्या? सिपाही जी के साथ गठबंधन है भैया, सिपाही जी के साथ 2 मिनट ये 22 नहीं 40 के लगभग साधु संत जिनकी हत्या हुई है, अगर मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं, अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। बिजली बिजली फ्री करेंगे सरकार, कोरोना को जो अवस्था है उसके मुद्दे को लेकर आप चुनाव में मैदान में आ रहे हैं, लगातार ये सवाल है, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, व्यापार आया कि नहीं आया, बताइए व्यापार के नाम पर अमेरिका की झूठी फैक्ट्री ले आए अपने एडवर्टाइजमेंट में। सर नेताजी का ये संसदीय क्षेत्र है, नेताजी का ये कर्मभूमि रही है, यहाँ पर आलू किसानों की स्थिति बड़ा खराब है, आलू खरीदने की कगार पर है। समाजवादी सरकार बनाओ, किसानों को सुविधा मिलेगी तभी खुशहाली आएगी। बिजली बिजली फ्री करेंगे, हाथ दो यार, लिखा गया क्या उन्होंने जल्दी जल्दी सभी छोटे दल और क्षेत्रीय दलों को कोशिश करेगी पार्टी साथ। सिपाही जी के साथ, सिपाही जी के साथ जाएंगे लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण भर्ती में ओबीसी का, ये आरक्षण के महत्वपूर्ण सवाल है, इनको ऐसे नहीं निपटाया जा सकता सिपाही जी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वही खत्म हो जाएगी, सरकारी खत्म होगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा? आप पत्रकार साथियों आप भी एकजुट होकर के सरकार डालो। सिपाही जी के साथ जाएंगे, सिपाही जी कह रहे हैं कि गठबंधन। धन्यवाद।